ये बहुत गंभीर समय है। हमको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिबेट हम लोगों को करना है। आपसपा से लेकर के तमाम सवालों पे जेएनयू बेबाक तरीके से बोलता रहा है और बोलता रहेगा। मुद्दा यह है कि इस बेबाकी के ऊपर जो हमला किया गया है, पहले उस बेबाकी के पक्ष में हम खड़े होंगे और फिर हम तय करेंगे कि जो बेबाकी है हमारी वो बनी रहेगी। उसमें आपसपा से लेकर के इस देश के अंदर जो इंटरनल सवाल है या इंटरनेशनल सवाल है जिस पे जेएनयू खड़ा होता रहा है, खड़ा होता रहेगा, उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट करेंगे और न सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे बल्कि उसको सच बनाने के लिए अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पिछले दिनों, एक दो दिनों में जो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे चला है, उसका जो एक ब्रीफिंग है वो मैं आपसे कहना चाह रहा था। इसके अलावा और बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं बार बार मुद्दे पे आना चाहता हूँ, लौटना चाहता हूँ। यूजीसी ने अभी एक सर्कुलर पास किया है जिसमें कहा है कि जो हम पीएचडी करते हैं उसको हमारा टीचिंग एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर के लेवल पे। फिर उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। नॉन नेट फेलोशिप को लेकर के जो रिव्यू कमेटी बनी थी, खुद स्मृति जी ने आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो कहा जाता है भागो जनता पीटेगी, माननीय स्मृति ईरानी जी एक्सीडेंट करके भाग गई, तो ये चल रहा है। उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि आपने डिपोजिशन दिया लोकसभा में कि दिसंबर में रिपोर्ट आएगा, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। देशभक्ति तो है, देश रहेगा तो देशभक्ति भी रहेगी, रिपोर्ट कहां गया, रिव्यू कमेटी का रिपोर्ट क्यों नहीं आया है? ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जस्टिस कहां है रोहित के लिए, क्यों टारगेट किया जा रहा है आज इलाहाबाद की प्रेसिडेंट को? ये जो रोज बरोज नए मुद्दे आ रहे हैं, क्यों जो है कर्मचारियों को उनका पीएफ निकालने पे ब्याज लिया जाएगा? कितना मजेदार बात है, मेरा पैसा है आपको दिया है, कल होकर के मांगेंगे आपसे तो कहेंगे कि इसमें से कुछ रख लेंगे हम, रखने के एवज में तो हम रखेंगे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरीके से पीएफ के कॉन्सेप्ट को ही डेमोलिश करना चाहते हैं। बार बार टैक्स की बात की जा रही है, कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट जो हैं जेएनयू के, उनको सीरियस वर्क करने की ज़रूरत है। और ये जो टैक्स और सब्सिडी का सवाल बार बार आ रहा है, इस पर हम लोग जेएनयू से रिसर्च पेपर पब्लिश करें कि सब्सिडी का पैसा कहाँ मिसयूज हो रहा है, ये बात सामने आना चाहिए। कितना करोड़ रुपये का बजट है जेएनयू का और कितना करोड़ रुपये का बजट है प्रधानमंत्री के हवाई यात्रा का, इसका जो है आकलन होना चाहिए। सरकारी व्यय में कहाँ चीजें बर्बाद होती है वो सामने निकलना चाहिए। हमको देंगे तो सब्सिडी और अमीरों को देंगे तो इंसेंटिव, नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा। सब्सिडी वो ले रहे हैं, इंसेंटिव आप यहाँ खर्च कर रहे हैं क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। आते वक्त मुझे एक सिपाही ने कहा जेल से, सब कुछ तो ठीक है तुम बच भी जाओगे, ऐसा हो सकता है लेकिन जेएनयू का फंड कट हो जाएगा। हम बोले कि जेएनयू का अगर फंड कट हो जाएगा तो हम नहीं बचेंगे। बेल मिलना, जेल से निकलना, ये मेरा बचना नहीं है। मेरा बचना है कि जेएनयू उसी फॉर्म में जिंदा रहेगा जिस फॉर्म में जेएनयू है और हम उसको लेकर के लड़ते रहेंगे, यही हमारा कमिटमेंट है। जेएनयू के टीचरों ने एक बार कोर्ट में लड़ते हुए मार खाते हुए साबित किया कि जेएनयू के हम पढ़े हुए स्टूडेंट पहले हैं, टीचर बाद में हैं।